दखल न्यूज़ की चुनाव यात्रा इस वक्त भिंड लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और भिंड लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी संध्या राय जी हमारे साथ हैं। संध्या जी, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। बिल्कुल, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और देश की जनता का नारा है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हमें तो बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों का जो नारी शक्ति बंधन बिल पास हुआ, ये बहुत ही बहनों के लिए बहुत अच्छा वो था जो पास किया। इससे हमारे देश की सभी बहनें प्रसन्न हैं और कहीं ना कहीं बहनों को लग रहा है कि अब आबादी को हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी जी ने 33% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, इस बार तो वो संभव नहीं हुआ है, लेकिन आपको टिकट मिला है, आरक्षित सीट थी, महिलाओं के लिए क्या करें? देखिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लगातार 30 वर्षों से काम कर रही हूँ और पार्टी ने 2019 में भी मुझे टिकट दिया। और पुनः मैं मेरे केंद्रीय नेतृत्व का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार धन्यवाद, और मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठों का, एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे दोबारा पुनः क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह 2019 में पार्टी ने बिना आरक्षण के मुझे यहाँ से मौका दिया, क्योंकि संगठन में हम पहले से ही 33% हैं बीजेपी के में, और नगरीय निकायों में 50% बहनें हमारा काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में अभी इस समय काफ़ी बहनों को भी मिला है टिकट, लेकिन निश्चित तौर पर इस नारी शक्ति बंधन से ये है कि जब भी 27 के बाद जो चुनाव होगा तो हमारी 33% बहनें विधायक भी बनेंगी और लोकसभा सांसद भी बनेंगी। निश्चित तौर पर हर जगह बहनें आने वाली हैं। हम बात करें तो आप प्रेजेंट अभी सांसद हैं, कहीं ना कहीं एक विरोध के स्वर आ रहे थे कि यहाँ पर विकास के बाद बारे में चुनाव हुआ था, विकास उतना देखने में नहीं आ रहा है, फिर दोबारा आपको मौका मिला है, अब की बार विकास को लेकर क्या? देखिए, अगर ऐसा होता तो पार्टी मुझे शायद चयन ही नहीं करती, लेकिन पार्टी ने मुझे दोबारा दिया है। और रही विकास की बात, तो निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने जितनी भी अपनी मांगें रखी थी लोकसभा की दृष्टि से, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे ब्रिज हो रेलवे स्टेशन के, और 7-8 बाईपास आए हैं, और आयुर्वेदिक कॉलेज आई है, आयुष कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है भिंड में, तो इस तरह जो मुख्य बातें थी भिंड को लेकर, निश्चित तौर पर वो पूरी तरह स्वीकृत भी हुई है। हाँ, ये कह सकती हूँ मैं अभी जमी पर नहीं दिख रही, लेकिन आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वो सारी योजनाएं जमी पर दिखेंगी और भिंड और दतिया का विकास भी दिखेगा। निश्चित तौर पर हमारा लोकसभा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा जरूर है, लेकिन मैं समझती हूँ क्षेत्र में किसानों के ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए रेक पॉइंट स्वीकृत हुआ है, उसका काम चल रहा है, और आने वाले समय में मेरी बहनों के लिए और मेरे भाइयों के लिए निश्चित तौर पर यहाँ कुछ ऐसा हो, खेलकूद की दृष्टि से बहुत अच्छा हब बने, और निश्चित तौर रोजगार के कुछ अवसर, जिस तरह विकास होता है तो रोजगार भी बढ़ता है। जैसे मेडिकल कॉलेज है, अभी तक मेडिकल कॉलेज भिंड में नहीं थी, उसकी स्वीकृति मिली है, निश्चित तौर पर साल भर के अंदर वो दिखने लगेगी, तो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको मेडिकल की सुविधा यहाँ मिलेगी। जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है क्षेत्र में तो उससे विकास भी होता है और रोजगार भी मिलता है। की बार 400 पार, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से एक आप हैं जी, और 29 के 29 कमल खिलने की बात हो रही थी जी। आपकी सीट जो है यूपी से लगी हुई है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी एक वर्चस्व है, फूल सिंह परैया यहाँ पर आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी सीट पे या वोटिंग परसेंटेज पे? देखिए, जैसा कि पूछा विपक्ष में कौन, हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी, 2019 में भी पूछते थे कौन है विपक्ष में, मैं कहती थी कोई मतलब ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक हमेशा लगा रहता है, तो चुनाव का अवसर है, बिना चुनाव के भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर लगा हुआ है, और उसी दृष्टि में सामने कौन है, विपक्ष में कौन है, किस पार्टी से कौन है, इसका कहीं कोई विषय ही नहीं है। प्रत्येक 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनताओं को देने वाली है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे हमसे बात की संध्या राय जी ने, और उनको पूरी उम्मीद है कि अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो ज़रूर खरा उतरेगा और यहाँ पूरे 29 कमल की माला खिलेगी। संध्या राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।